हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में अगेन हम सीखने वाले चैप्टर नंबर 5 संयोजन एमालगमेशन। इस चैप्टर का ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने ये सम सॉल्व किया है 2018 का जो गुजर यूनिवर्सिटी का, उसमें मैंने एक मेथड सॉल्व कर दी थी। वो मेथड थी हमारी यहाँ पर खरीदी की, मैंने जो मेथड थी वो सॉल्व करी हुई थी परचेस की। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी सम्स की सेकंड मेथड सॉल्व करने के बताने वाला हूँ। सेकंड मेथड है विलीनीकरण मर्जर की। तो ये पद्धति के लिए ऑलरेडी हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में, जितने भी यहाँ पे एजम्पशन थे वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके दिखा दिए थे, जो इक्विटी शेयर रिलेटेड था, जो प्रेफरेंस शेयर का था, जो डिबेंचर उसके मैंने जो न्यू वैल्यू फाइंड आउट कैसे किए वो वीडियो मैंने एक्सप्लेन किए, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मैंने कुछ ऐसे सॉल्व किया हुआ था, जो सनकर लिमिटेड का था और सेकेंड था पारो लिमिटेड का, और उसकी मैंने खरीद पद्धति को सॉल्व करके पूरा उसका नया पाकू शेड्यूल कैसे बनता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिए। बात करते हैं आज की वीडियो की, तो आज हम सीखने वाले सेकेंड मेथड विलीनीकरण परचेस। तो उसमें कैसे सॉल्व किया जाता है, तो डायरेक्टली सॉल्यूशन किया हुआ है, सम समझने लिखा हुआ है, डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे सॉल्व करना रहता है। तो विलीनीकरण में आपको क्या करना रहता है कि आपकी जो ओल्ड वैल्यू थी और जो न्यू वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, राइट ना। वो लॉस और प्रॉफिट को जाके हमें क्या करना था, जितने भी हमारे अनामत है उसमें दो खास, सामान्य अनामत और नफानुकसान, उन अनामत में से वो अमाउंट लेस की जाती है या तो ऐड की जाती है। कि चेंजेस होने की वजह से अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपका अनामत बढ़ जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो अनामत की रकम कम हो जाएगी। तो देखिए कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो कंपनी थी सम्स के अंदर, 2018 का सम्स है, ओके, इसमें संकल लिमिटेड और पार्वती लिमिटेड। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, इनकी हमने न्यू वैल्यू फाइंड आउट की थी ऑलरेडी, राइट ना, एजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको ओल्ड वैल्यू लिख देना है, इक्विटी प्रेफरेंस, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेना, क्योंकि दोनों की ऐड वैल्यू को हम खरीद कीमत कहते हैं। तो दोनों की ऐड करना है ओल्ड वैल्यू जो सम्स के अंदर है, यहाँ पर संकल की यहाँ पर 18 लाख, इसकी 15 लाख और प्रेफरेंस शेयर है 6 लाख और 4 लाख 50 हजार। तो 18 लाख 6 लाख टोटल हो गया 24 लाख, पार्वती का यहाँ पर 15 लाख और 4 लाख 50, तो ओल्ड हो गया 19 लाख 50। ये जूनी कीमत है, अब हमें माइनस करना है नवी कीमत जो हमने फाइंड आउट की हुई है, जो एग्जम्पशन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट की थी, राइट ना। ये इक्विटी की हमारी आई थी 26 लाख 40 और प्रेफरेंस की आई थी 7 लाख 20। ये दोनों को ऐड किया था तो हमको मिल गया था खरीद कीमत जो था 33 लाख 60 हजार। वो डायरेक्टली अमाउंट लिखे था संकल लिमिटेड का, वैसे पार्वती का इक्विटी शेयर निकाला था और प्रेफरेंस निकाला था, उसका दोनों का ऐड करने पर जो आया था वो अमाउंट था हमारा 17,77,500। तो ये अमाउंट दोनों यहाँ पर न्यू वैल्यू में लिख देना है, 33,60,000 और 17,77,500। तो दोनों के बीच का डिफरेंस एक्चुअल में पेड करना था 24 लाख, हमने पेड कितना किया है 33,60,000, तो माइनस में आया 9,60,000। वैसे पार्वती का था टोटल 19,50,000 और हमने पेड किया 17,77,500, तो ये प्लस में आया, हमने लेस पेड किया है यहाँ पर 1,72,500। तो दोनों को प्लस माइनस करके एग्जिट माइनस में आया, माइनस का 9,60,000 और प्लस का 1,72,500, तो माइनस का आया 7,87,500। ये अमाउंट हो गया हमारा खोट हो जाएगा, एक कोट की रकम हम अनामत में माइनस करेंगे। तो उससे पहले डिवेंचर का भी देख लेते हैं, तो डिवेंचर की ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, तो जो डिवेंचर की दोनों की ओल्ड वैल्यू के सम्स में डिवेंचर आएगा शंकर का 1,50,000 है और पार्वती का 1,05,000 है, और जो न्यू डिवेंचर की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो लेस कर देना है, जो न्यू वैल्यू थी डिवेंचर की यहाँ 1,20,000 और यहाँ पर पार्वती की 84,000। तो दोनों की वैल्यू क्या करना है, 1,20,000 84,000, तो लेस करने पर यहाँ प्लस का 30 मिलेगा और यहाँ प्लस का 21 मिलेगा, तो दोनों को ऐड किया तो प्लस का 51, इसका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। अब क्या करना है आपको, अनामत की रकम लेनी है, सबसे पहले आपको सामान्य अनामत की रकम यूज करने की होती है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो ऐड करना है, लॉस हुआ तो माइनस करना है, तो अनामत की ओल्ड वैल्यू ले लेंगे सम्स में से। तो सामान्य अनामत ये देखिए दोनों का ऐड करना है 4,50,000 और 3 लाख, तो टोटल अनामत कितना हो गया 7,50,000 हो जाएगा, कितना हो गया 7,50,000। तो पहला इक्विटी और प्रेफरेंस के अंदर में लॉस हुआ था 7,87,500 का, तो क्या करना रहेगा, इसे माइनस करना रहेगा। तो 7,87,500 माइनस करेंगे ना,
तो 7,50,000 से माइनस करने के बाद भी अभी भी इतना माइनस करना रह जाएगा, माइनस का 37,500 आएगा, मतलब अभी भी ये फंड क्या हो गया, जीरो हो गया, अनामत पूरा खत्म हो चुका है। तो अब दूसरा कौन सा यूटिलाइज करने का, दूसरा रकम होता है नफा नुकसान का यूज किया जाता है, और लॉस को माइनस करने के लिए नफा नुकसान की रकम यूज करेंगे अब। तो नफा नुकसान की अमाउंट ऐड कीजिए 1,80,000 और 1,21,500, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,15,000, राइट। अब 37,500 लेस करना बाकी था, तो इस अमाउंट में से 37,500 लेस कर देंगे, तो अब बचा नफा नुकसान 2,64,000। अब डिबेंचर की बात करते हैं, तो डिबेंचर में तो प्रॉफिट हुआ था, कितने का हुआ था, 51,000 का। तो डिबेंचर का अमाउंट लेस नहीं करनी, ऐड करनी, उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, जो 2,64,000 था उसमें प्लस हो जाएगा 51,000, तो अमाउंट हो जाएगा 3,15,000। मतलब नफा नुकसान की नवी कीमत बन गई 3,15,000, जो पाकू सर्वे में लिखी जाएगी, नवे पाकू सर्वे में। सामान्य नंबर तो फिनिश हो चुका है और ओनली बचा नफा नुकसान। तो देखिए पाकू सर्वे कैसे बनाना है, सेम खरीदी जैसे बनाना है। पहले बात करता हूँ यहाँ पे मिलकत साइड की, तो मिलकत में कोई चेंजेस हुआ नहीं है, तो हमें डायरेक्टली मिलकत दोनों की ऐड करके लिख देना है, 15,00,000, 9,24,00,000 हो जाएगा, प्लांट का 9,06,15,000, तो सारा का सारा मैं ऐसा का कॉपी करके लिख देना, जैसे टोटल देखा जाए 38,85,000 और इसका 28,36,500, बिना कोई चेंजेस के यही दोनों का फाइनल टोटल होने वाला है, कोई चेंजेस नहीं। बात करते हैं यहाँ पर लाइबिलिटी की, यहाँ पर हमारे देवा में, तो आपको इक्विटी जब लिखेंगे तो आपको न्यू वैल्यू दोनों की ऐड करनी है, बस आपको इतना ध्यान रखना, जो न्यू वैल्यू पहले से हमने फाइनल की होगी ना वो ऐड करनी है। जैसे इक्विटी का 26,40,000 है और इसकी इक्विटी की 12,37,500, तो दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 38,77,500। ऐसे प्रेफरेंस की न्यू वैल्यू ऐड करना है और डिबेंचर की न्यू वैल्यू ऐड करना। अब बात करते हैं अनामत की, तो सारे अनामत लेने गए लेकिन ऑलरेडी जो सामने अनामत फिनिश हो चुका है उसकी अमाउंट बची नहीं, रोकान सेंटर से आएगा, विकास सेंटर से आएगा, लेकिन यहाँ पर नफा नुकसान की जो रकम है ना वो आपको ओल्ड वैल्यू नहीं लेना है, जो उसका न्यू बैलेंस आया ना नफा नुकसान का न्यू बैलेंस वो लिखना रहेगा, जो न्यू बैलेंस आया 3,15,000, तो आपको नफा नुकसान में न्यू वैल्यू लिखना रहेगा 3,15,000। बाकी सम्स का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोनों टोटल करना आपको इक्वल हो जाएगा। बस ये था विलीनीकरण की पद्धति मर्जर, इसमें आपको क्या करना रहेगा, जो भी न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस देखने का, और जो भी डिफरेंस आएगा लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा अनामत यूज करने की, एक सामान्य नंबर यूज करने का, एक नफा नुकसान ऐड करो लेस करो, और जो अमाउंट बचेगी वो नए पाकू सर्वे में लिख दे देंगे बस। तो यही करना है हमने विलीनीकरण। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोनों मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिए, फिर भी एक और वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें ये मेथड दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अपलोड करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए और नए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूंगा।